वो तो रह लिया जी, हम तो उसके पास वो पैसे लेने गए थे, हमारे 18 लाख रुपये उठ रखे थे उसने, ग्राम अकबर जो है गांव में जो है जो विकास होगा उसके लिए हम जो है देंगे। हम उसके पास गए, सरपंच साहब भी गए और भी गए, हम गए, हमारे को बोला भाई जो है अगली साल बनाओ, अगली प्लान में बना दो जो है अगर 36 दे देंगे। मैं बोला ये पास लिए तो पूरे पार दिए हमारे, इसकी के हाँ इनकी के रिस्क रहेगा ना बताओ है, ये तो राजा है, बने बने भी राजा है और बने पत्थर मेरा के कर देंगे। एक चीज बताऊं जी, मेरी बाप ने मेरा के नाम अजमाया और है काम है, रात ने सीएम को उठा दिया था एक फोन पे, मैं एक काम गया था जबकि ना एमएलए हो ना और कुछ, इसकी पावर इतनी है और ये भी 36 जात के लिए के नाम है खुला है, आधी रात नहीं हो थोड़ा थोड़ा जाना धनकागा इसकी गेर हो लेगा। मैं तो केवल अफसरों के साथ और जो बदमाश है उनके साथ सख्ती रखता हूँ, साधारण आदमी के लिए तो मैं बहुत नरम प्रवृत्ति का आदमी हूँ। गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, जब यह बीजेपी हरियाणा में राज में भी नहीं थी, जामी भी नहीं थी यहाँ, मैं तो तब से सेवा कर रहा हूँ। गोहाणा विधानसभा के सलारपुर माजरा गांव में है और यहाँ पे राजवीर सिंह दैया ने अभी अभी जो है ट्राईसाइकिल दी है एक दिव्यांग को और दावा कर रहे हैं और बड़े बड़े चैलेंज भी दे रहे हैं। ये सारे गांव वाले खड़े हैं अड़े दैया साहब, आज कति आपके सामने इन तो पूछेंगे, आप बड़े चैलेंज दे हो और बड़ी ठोक बजा कर नुगो कि हाँ मैं सही हूँ तो वोट दियो ना तो नहीं दियो। सब तो पहला तो आप तो पूछा है किसा के रिस्पॉन्स आ रहा है, के बात हुई है और के कर रहा है। देखो जी ऐसा, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, ये तो लोग बताएंगे भाई, अरुण भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो केवल कर्म करता हूँ। मैंने तो एक नारा दे रखा है समाज में जब से आया हूँ, कर्म मेरी जाति है और सेवा मेरा धर्म है, मैं किसी जात पात से किसी उससे नहीं रखता, ये तो लोग बताएंगे। चलो जी एक बार फिर फीडबैक ले लूं मैं, एक बार आपका क्या नाम है? अश्विनी है भाई, मेरा नाम है अश्विनी नाम है। ये पूरा इन भाषण भी दिया को, बात भी कही है, बहुत सारे चैलेंज भी दिए, क्या बात कही है? भाजपा बेरा के सबसे अच्छी बात यह लगी हमने, अब जात पात की राजनीति अलग चलना है। ये हमने पहले एमएलए देख लिया, हमारा 5 साल रह गया, 5 प्लान रह गया जी, 5 प्लान में उन्होंने कुछ नहीं करा। आपने भाई ये देखे भाई, ये मलिक शाह है, जगबीर मलिक है भैया, मलिक शाह है, ये दैया है भैया, एससी है, बीसी है, उन्होंने देखे नहीं उस चीज का, इनका हमने नहीं लगा जी, ये सारी जात ने कट्ठे लेके चल रहे, यह चीज अच्छी लगा हमने। जब कोई सी पार्टी ने टिकट ना दी तेरे? कोई नहीं जी, निर्दलीय लड़ो, सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करें जी, कोई दिक्कत नहीं। खास बात यह जी, जो करा हमने तो जो भी काम पड़ा है, जो हमारे विधायक ने काम नहीं करे गए हैं तो वो पीछे हट गए, सारे काम में माली थी, मारे काम की गारंटी नहीं मिली हमने। अरे दैया साहब ने ईशा है, दैया साहब द्वारा जो भी काम गया है हमारे गांव में काम नहीं रुका, ना विधायक ना कुछ और अधिकारी भी, वो अधिकारी जी जिसका जिसमें दम है ना वो आप करवा ले जी काम ने, तो दम लगा है। हाँ बिल्कुल, जब विधानसभा में चला गया फिर हम तेरे सोचे सीएम बने। क्या बात है, क्या बड़ी बात है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सुभाष जी। यो सलारपुर माजरा गांव होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। लग गई आदमी मदम? हाँ जी लग गया। तुम क्या बात मन नाराज थी, कुछ काम नहीं ले लिया पर जी। अच्छा? हाँ काम लिया नहीं, दम लगा। हाँ जी दम लगा, मदम मैं ले भी आता हूँ जी पहली बार। हाँ जी चाहो फिर विधायक बनाना। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? रोहतास जी। रोहतास जी सुनी को विचार? हाँ जी सुने जी, इनके विचार बहुत बढ़िया है जी। आज पहली बार मुलाकात हुई, एक पहला ही मिल रहे? हाँ जी पहली बार मुलाकात हुई जी। तो पहली मुलाकात मनु का आग्रह समझ में आ जा? हाँ जी बिल्कुल जी, विचारों से समझ में आता है जी। कितना समझ में आया? यो जी 100% जी। अच्छा हाँ जी। राजी दैया साहब ये फीडबैक देख लो, मैं तो हैरान हूँ। आपका क्या नाम? वीरेंद्र सिंह जी। आप गाँव से ही हो? हाँ जी गाँव से ही है। क्या कुछ विचार थे? सुने भी होंगे और भी कैंडिडेट आए होंगे और एक व्यक्ति तो, एक विधायक तो 5 प्लान रह लिया अपने? वो तो रह लिया जी, हम तो उसके पास वो पैसे लेने गए थे, हमारे 18 लाख रुपये उठ रखे थे उसने, ग्राम अकबर जो है गांव में जो है जो विकास होगा उसके लिए हम जो है देंगे। हम उसके पास गए, सरपंच साहब भी गए और भी गए, हम गए, हमारे को बोला भाई जो है अगली साल बनाओ, अगली प्लान में बना दो जो है अगर 36 दे देंगे। मैं बोला ये पास लिए तो पूरे पार दिए हमारे, अगले तो और करा है ठीक, बिल्कुल बोला था मगर हमारे गांव मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बोला था ठीक। हाँ हम जो ना हम तो बिल्कुल दे भी नहीं, देंगे भी नहीं बिल्कुल। हाँ नाराजगी हमने तो खुद है, हम तो खुद जा लिए उसके पास, हमारा जो है कोई भी काम नहीं करा उसने, जो उसके चेले चपटे है ना उनको नाम बताओ वो पर्ची देंगे वो जब काम होगा ठीक है। हाँ ठीक है, हमारे ओके भर दो बस और नौकरी ले लो।
मुख्यमंत्री बना ये मजदूर आदमी उनके ओके भरेगा अपने परिवार में पड़ेगा मतलब ओके भरो पहला फिर वोट भी दो और फिर को काम होगा वोट भी आई नहीं है ओके भरो और नौकरी लो वो नौकरिया भरोसा नहीं हो झूठी है साची है मेरा लगना मिल रहा है मजदूर आदमी 100 रुपए की जारी करेगा मीडिया वाले इनके भाग में लिख रखी है इसके भाग में लिख दिया आते एमएलए भी बनेगा और दोनों पार्टी बाजी बाजी दोनों पार्टी होगी बीजेपी वाले कहेंगे बीजेपी झुकेगी मारा जो राजा कांग्रेस झुकेगी ना मारा जो राजा एमएलए बना दिया भाई हम तनु गए हैं अगर चुनाव चिन्ह लिया हुआ है तो और बढ़िया बात है अक्षय देव सीएम की दावेदारी ठुक है आठ निर्दलीय बन रहे हैं आज के नाम हरियाणा में जो ये चुनाव होगा ना पहला निर्दलीय एमएलए ही होगा क्या बात है भाई सुनो सुनो भाई सुनो खेड़ी दमकन से बोल रहा हूँ मैं नामरा दोटा पंडित है और तुम्हें बता दो बात भाई जमींदारा करे हैं तुम भी करो हम भी करे सारे भाई एक है 25 साल हो गए जगबीर ना आड़ा मारी बेबे ने गुट देने इसने नो बताओ न करा के है ये क्या बन रहे हैं एक आम जमींदार है ये कितना दे दिया तुलना करो जो सही आदमी होते हैं ना वो ऐलान करते हैं जो झूठे आदमी है वो भागते हैं अदब का जगबीर मतलब किंदा नो मान ले छुट्टी बड्डी जमाने तो पत होगी हाँ और सुन मेरी बात है हाँ सुन मेरी बात है 100-100 रुपये गौशाला में भी देगा कौन और कन्यादान में भी देगा कौन वो करेगा के अरे इसकी के हाँ इनकी के रिश करेगा ना बताओ हैं ये तो राजा हैं बने बने भी राजा हैं और बने पत्थर इन्होंने मेरा के कर देंगे सारे भाई इनकी गेला लाग लो भाई छोड़ दो लुटेरे ना चोर ने चोर है भाई चोर है चोर ने छोड़ गए लाग लो गेला अपना विकास करवाना है हाँ अरे भाई एक बात बताओ नुका नौकरी दी हमने जब पीछे दे दे तो नौकरी क्या गिरेगी पीछे देकर नौकरी दी आए को मुंह बना को बेरा दशम न है एक बात बताओ जब एक चपड़ासी नौकरी में 5 लाख देख लाग गया तो शान क्या करेगा नौकरी दो तो लाख ने दो जिसका नाम लिखना नहीं आंदा मास्टर ला दिए वो क्या की नौकरी है भाई हमने इशारा नहीं चाहिए हमने चाहिए स्पष्ट छवि का मनस जो लायक मनुष्य ने काम करेगा अपने भैया साहब अरे ना बतेरी उम्र होगी बतेरे चुनाव भी देख लिए होंगे आदमी भी बतेरे सरपंच भी हैं अच्छा पूर्व सरपंच है कोई बात नहीं मतलब सरपंच भी आ जाओ ना जा दोनों आ जाओ भाई दोनों सरपंच हो नो बता दो आज ती भाई ये तो ना विधायक ना अधिकारी कुछ नहीं है फिलहाल आम आदमी है ने कितनी मदद करी है और जो वर्तमान में विधायक बैठे उसने कितनी करी एक चीज बताऊं जी मेरी बाप ने मेरा के नाम अजमाया वोट है काम है रात ने सीएम को उठा दिया था एक फोन पे मैं एक काम गया था जबकि ना एमएलए हो ना और कुछ इसकी पावर इतनी है और ये भी छत्तीस जात के लिए के नाम है खुला है आधी रात ने यो छोरा चला जाना धड़का इसकी गेर हो लेगा देख दे जाट जाट टाइ करता हो ना 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 यो छोरा सब जी हाँ एक मिनट कह रहे हम किसे नहीं पता मारे तो हरिजन भाई है यो हाँ हरिजन भाई हाँ मारे तो सकमी तो कतियो कदमी ला नहीं मारा था हाँ हाँ कदमी भाई ये तो गजब कर दिया आपने सरपंच साहब ये बात बता दो इनके सरपंच हो दया हाँ इनके हैं जी दया साहब तो रजाब गए हैं ना कुछ कुछ लेकर आए हैं गांव का तेरे देख नहीं है लेकर आए फिर जोन साहिब भी था उस दौरे भी जाया करो उस दौरे भी गए हैं उन्होंने भी 18 लाख रुपए दे दिए अच्छा 18 लाख कौन कद दिए हैं रास्ता बनाने लग रहा जी नहीं कद दिए हैं ईब दिए हैं जी तो फिर भी था एक तो 5 प्लान रे लिया बहुत ईब दिए हैं जी वो भी लड़ झगड़िया लाए वो भी लिया है पीए जानकार है उसने करवाएंगे थे जय साहब एक बारी अभी हम कई काम करा लिए जो पानी के लाइन का टेंडर हो रहा है शुरू हो जाए चमाशे मारे वारो करी है तो एक विधायक दौरता 18 लाख ले था अरे यो आदमी ना विधायक ना अधिकारी ना कुछ इन्हें 50 लाख की तो लाइन दे दीजिए या पानी के लाइन तो भाई 50 लाख की बड़े बापा बताओ जी कौन रहा दिया साहब तो है अरे एक पे गया था एक पे गया था एक फोन में ऐसी एक फोन में ऐसी नू नाचा था इन कर फोन है लाइन के लिए
अकबर लाइन चाहिए हमने सरपंच में गए थे, एक में बैठे बैठे ऐसी दो गिनती मारी थी यार, इस आदमी ने क्या पावर बुझेगा, भगवान से भी ज्यादा पावर ले रहा है। दया साहब मतलब देखो हम भी पूरे दिन पॉलिटिशियंस में ही रहते हैं, सबकी बात भी सुनते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह से पूर्व सरपंच सरपंच और गांव के यूआर मतलब भरी पंचायत आया था, कोई इसमें नू नहीं है, कोई भी एक भी किसी भी व्यक्ति ने पूरी पंचायत में आड़ा बहुत सारे आदमी हैं, कोई बात पूछनी हो को सीधा सवाल हो को बात हो आ जाओ माइक पे, खुला चैलेंज देने लग रहे हैं, आ जाओ बताओ को बात है, तो इतना गजब का काम हमने तो देखे नहीं। देखो ऐसा अरुण भाई, मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूँ और कोई नई बात नहीं है, मैं जिस जिस भी हल्के में जहाँ अभी जिस ग्राम में मैंने काम किया है मैं अपने नाम से जाना जाता हूँ, कोई मैं एमएलए मंत्री या कोई बहुत बड़े घर का बेटा नहीं हूँ, या मेरे बाप दादा वजीर रहे हैं, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ जैसे ये लोग, ऐसा मैं हूँ, परमात्मा ने दिन दे दिए, लोगों की सेवा करता हूँ, और मैंने तो खुला चैलेंज किया, मैं कभी किसी को ना इतनी बड़ी बातें कहता नहीं, ना मेरे संस्कार हैं ना मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया, मैं तो बहुत नरम प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं तो केवल अफसरों के साथ और जो बदमाश हैं उनके साथ सख्ती रखता हूँ, साधारण आदमी के लिए तो मैं बहुत नरम प्रवृत्ति का आदमी हूँ, बहुत नरम का। लेकिन बात कोई उसने जो स्थानीय विधायक है उसने यहाँ ऐसी बात कह दी, वो भी मेरे पास पहुँची, मुझे कुछ कहना पड़ गया, मेरे को तो उससे भी जोर पड़ता है, मैं सच्चाई बात यह है कि वो भी मेरे दिल पर जोर पड़ता है कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात और चुपाड़ में खड़े हो गए, झूठ बोलना मैं ये मानता हूँ अपने जन्म को खराब करना, इससे बड़ी बात नहीं होती, जो आदमी चुपाड़ में मंदिर में खड़ा हुआ झूठ बोल दे तो ये सोच लो उसने अपना जन्म खराब कर लिया। मैं कोई ऐसी कभी राजनीति नहीं करता, ना मैं ऐसा कोई काम करता जो मेरे से समाज के लिए बन पाता है, जो मेरे जानकार अधिकारी हैं मेरी शर्म मानते हैं, जो छोटे मोटे राज्यों में रहा हूँ जो मेरे टच में रहे हैं अफसर उनको मेरी प्रकृति का भी पता है, उन्हें मेरी संस्कृति का भी पता है, मैं बड़े खुले शब्द बता दूँ, वो ये जानते हैं कि भाई ये केवल समाज का काम करता है और समाज के लिए जीता है। पंचायत में एक आधे चैलेंज देने लग रहे थे, आप वीडियो में बताओगे मैं क्या क्या चैलेंज थे? देखो कोई चैलेंज नहीं, मैंने तो एक बात कही है, एक भाई ने स्थानीय विधायक ने यहाँ कोई बात की, किसी का गलत फोटो दिखा गए, वो फोटो उसने यहाँ चुपाड़ में खड़े हो गए झूठ बोली, मुझे दर्द आया, मैंने कभी भी उसके खिलाफ कोई एक अपशब्द या कोई ऐसी बात कभी इस्तेमाल नहीं किया आज तक, मतलब वो चुपाड़ में लोगों को फोटो दिखा के सतीश नंद लगा, वो कहता भाई राजवीर दैया और ये नायब सैनी बंद कमरे में बैठे हैं, देखो सतीश नंद लगा फोटो दिखा दिया, आपसे मिलता जुलता है, उनके भी सफेद बाल है, मेरा उसका फोटो बहुत देर में समझवाता है। अच्छा, तो मतलब मेरे पास यहाँ से जो मेरे साथी थे जो मेरे आदमी थे उन्होंने मेरे को बताई ऐसे ऐसे हरकत करी है, मैंने इसलिए यहाँ आ गए ये बात कहनी भी पड़ी है। फिर कहता है भाई इसको तो ना बीजेपी मेरे को कोई स्पॉन्सर कर सकता है क्या, आप भी पत्रकार हो, कह रहे थे बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है, आप भी घूमते हो गौशालाओं में धर्मशालाओं में, जब यह बीजेपी हरियाणा में राज में भी नहीं थी जामी भी नहीं थी यहाँ, मैं तो तब से सेवा कर रहा हूँ, आज मैंने करीब करीब मतलब मुझे तो ध्यान भी नहीं है भाई 35 साल 32 34 साल कितने हो गए, मेरी तो उम्र सारी 64 साल की है, बीजेपी तो यहाँ पैदा भी नहीं हुई थी, बीजेपी तो यहाँ पिछले 10 साल में आई है। नहीं आपने तो उड्डा का अनुमान भी कहा करते हैं। हाँ तो उड्डा का अनुमान तभी तो कहते थे ना जब मैं काम करता था, मैंने समाज को जोड़ने के लिए जब ये वहीं बैठे थे सब लोग उसी शहर में थे, जब वो शहर जलने की नौबत आ रही थी जब मैं गया था तभी तो थारे से मीडिया वाले लिखा था, मैंने थोड़ा कहा था मीडिया ने लिखा भाई राजवीर दैया बने उड्डा के अनुमान, मैंने तो लोगों के बीच में गया, मेरे में दम है ना, मैं 36 बिरादरी के बीच में जाने की हिम्मत रखता हूँ, मैं किसी भी गोत के बीच में जाने की हिम्मत रखता हूँ, मैं किसी धर्म में जाने की हिम्मत रखता हूँ, कोई गोत टेक लेना पंचायत में आ जावा, मेरे में दम है, मैं कोई चोर उचक्का थोड़ा हूँ, ना मैं किधर खाद गोबर बेच के खाता ना मैं कोई और काम करता, तो समाज का आदमी हूँ समाज के बीच में रहता हूँ। तो अब ये आगाज शुरू हो गया है, चुनाव तो आपने शुरू कर रखा है। नहीं, चुनाव नहीं, मैं तो ये लोगों ने करना, चुनाव मेरे हाथ में किए, समाज वोट देगा भाईचारा जिता होगा, देखो ऐसा है सुनो अरुण भाई कभी खुले शब्द में, लोग कलम की ताकत देंगे पूरी इस्तेमाल करूंगा इनका हक लाऊंगा, लोग कलम की ताकत नहीं देंगे जितनी मेरे परिवार मेरे में सामर्थ्य है वो करने लग रहे हैं वो करता रहूंगा। लड़ना चाहिए चुनाव, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए जी बिल्कुल 100% लड़ना चाहिए जी, लड़ना चाहिए लड़ाओगे हम लड़ाओगे जब भी लड़ाओगे ना कोई ना बैठना हमने चाहिए साफ छवि का नेता जी
हम छके लिए हम छके लिए सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो लोग थाने दका हुआ किता आधार कार्ड ले लकड़न की नहीं है जब 25 साल हो लिया आस्ती कुछ नहीं कराया आस्ती जब उन्हें कुछ नहीं कराया क्या करेगा भाई उसने छोड़ दो वो डूबन वाली नाव है खावा अड़े है और लतरा यूपी में जागे है जब उसने अड़े खाया था अड़े की सुविधा खातिर उन्हें अड़ा हॉस्पिटल बनाना था क्यों ले गया भाई यूपी में ऐलान है हमारा इबकश के जमाने जब पतकराया छोड़ देंगे हमने ये एमएलए पीछे आना नहीं चाहिए हमने चाहिए संस्कार वाला मेरे कम से कम 15 साल हो लिए पहले मैं खेत मेरा यार था एक ला मकान था मेरा मकान भी नहीं था तो मेरा एक ताऊ का लड़का था ताऊ के लड़के से मैं बोला मैं भाई साहब ऐसे ऐसे मेरी गली कच्ची है कुछ छोटे बच्चे तेरे पटके पड़ गया वो तो मैं बोला मैं भाई यार कच्ची गली है और इसका भाई समाधान करवाओ जब कोई मैं दया साहब ने जानू भी नहीं था 15 साल से पहले की बात है वह तन्यू बोला भाई दया साहब के पास चले जाओ मैं दया साहब के पास गया दया साहब बोले भाई क्या बात है मगा जी ऐसी ऐसी बात है छोटे लड़के हैं मेरे मकान मेरे पास है नहीं मैं अपने खेत में रहता हूँ फिर मगा जी मेरी गाल बनवा दो तो मेरी उसी टाइम गाल बनवा दी जी अकेले मकान मकान भी नहीं था जी कोठड़ा था मेरा अकेले का उसी टाइम जी वो लगाव था जी इनके साथ मैं बेचारे जानू भी नहीं था उस टाइम वो नहीं जाने थे जी जाने भी नहीं थे जी मैंने तो लगाव नहीं था भाई साहब अरीब जी जो पाइप लाइन आई है लेने की भाई मारे जोड़ते ही वो क्या बस सारे काम ने जाने हैं वो तो काम के लिए काम कर रहा है वाटर सप्लाई की जी वाटर सप्लाई 3 किलोमीटर की पाइपलाइन मंजूर करा दी जी उड़ेता है जी 3 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर करीब का बनाओगे बनाओगे जी बना दिया जी एक भाई जी फूलों की बारिश शुरू हो गई है दया साहब पे क्यों बना दिया पक्का देखिए कि बीजेपी नु का ये तो बैकवर्डा की वोट होगी उनकी वोट होगी पक्का बना दिया हां पक्का बना दिया जी भाई एक आधा तो कह दो कि मैं डाउट हो तो पक्का बने पक्का सारे क्यों कह दे की जगह पैसे ले रखे हैं भाई साहब इसके आने तो उठे ने दान भी करे दान को आए नहीं था सारे चोर हैं ये तो दान भी करे कदे तो नाम ते जाने हैं बड़ी आदमी एक बार जो हम ऐसे यहीं बैठे थे तो ये अपने जो ये ब्रह्मचारी उठ रहे थे सतपाल ब्रह्मचारी तो ये आने थे यहाँ स्कूल में तो पहले ये चौपाड़ में आए थे अपने ये जगबीर मलिक विधायक तो हमारे जो एससी भाई बीसी भाई है उनने नौकरी के बारे में मुद्दा उठाया तो उनने बोला भाई कई प्लान हो लिए भाई नौकरी तो जब भी मिलेंगे जब को हमारे दौरे चक्कर काटेगा हाँ वो हाँ तो वो विवाद हो गया उसके बाद में कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया भाई ऐसे क्यों उठाया बेइज्जती कर दी एमएलए आए थे वैसे तुमने नौकरी के बारे में मुद्दा उठाया ये क्या बोले हालांकि खूब बेइज्जती समझी ने अपनी तो ऐसे हम यहाँ गली में बैठे थे तो उस दिन सतपाल ब्रह्मचारी आ रहे थे तो एक मास्टर जी है वो बोला भाई वोट दे लियो जहाँ जिसकी देनी है एक बार इकट्ठे तो हो जाओ भाई क्या जा रहा है विचार तो सुनो भाई को अच्छे करे कोई बुरे करे कोई भाई जाति का करे कोई कहेगा करे तो हम बोले मगर ना एक का बजा के छक लिया हमें जब बेइज्जती हो ली तो क्या करेंगे बोले ना ऐसे वहाँ पकड़ कर नोला नहीं चलो तो वहाँ आए नहीं थे हम गेट पर खड़े हो गए 2-3 आदमी है मौजूद जो वहाँ है एक ने बोला और सभी माला ले हुए थे एक ने बोला ये ईंट पत्थर ठा लो जब नौकरी मिल लेंगी तुमने मगर ईंट पत्थर पहले तुम ठाओ माला ठा रहे होते हम जब बाद में ना मार दे जब हमारा नाम ले दियो वो बात मैंने कई आदमियों से कही मगर जाओ तो भाई ऑब्जेक्शन ये नहीं होनी चाहिए हाँ वोट दे और ओके भरो जब नौकरी लगाओगे जब पैसे दे के फिर सरपंच साहब डर नहीं लगता ये सरपंच हो सरकार कर दे ही मामला टाइम क्या करेगी मेरा क्या करेगी जी करेगी कर देगी हमने बना रखा है खुले आम आप एक निर्दलीय आदमी का साथ देने लग रहे हो निर्दलीय आदमी का साथ देने लग रहे हो निर्दलीय जी कम मल आदमी का दिया जाएगा जी निर्दलीय एक बात बताऊं मैं ये सरपंच नहीं
एक सरपंच चार पांच से इसकी जेब है और नंबरदार रह गए बाकी ना हमारी देर हो जाओ हम चाहे भी मना करोगे नंबरदार में से कुछ भी नंबरदार भी ऐसा है। मैंने कई बार कोटा में काम कराया अपना काम छोड़ कर मेरे पास खुद पाई पर हमने इसका तन मन धन से कतियो करा जी। फिर भाई तो हमने पंचायती उम्मीदवार बना दिए गए विराज बिरदे। हाँ जी कती ठोक के कह रहा हूँ निर्जलीय लड़ेगा यो निर्जलीय लड़ेगा। ठीक है अब दो पार्टी आऊंगी तो है।